टू मेक स्मार्ट बेस्ट मैथ में आपको हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 हम डिलीवर करने जा रहे हैं, वो है टॉपिक इम्पोर्टेंस डेसिमल। डेसिमल क्या, पिछले हमने जो टू लेक्चर जो है डिलीवर किए हैं उसमें हमने सीखा था फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की ट्राइब और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रैक्शन की। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक मैथ में डेसिमल क्या होता है और डेसिमल की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर कॉपरेट। सबसे पहले हम आज सीखेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल की कैसे करते हैं। पहले ये कि डेसिमल क्या है, डेसिमल्स एक्चुअली पॉइंट है, ठीक है, जो किसी नंबर के जो बीच में होता है, ठीक। अब एडिशन ऑफ डेसिमल, हमारे पास एक नंबर्स हैं, ठीक है, 3.63 प्लस 9.35, ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा उसको जो है वन बाय वन करके पढ़ना, ठीक है, एक एक करके पढ़ना, 3.63, ठीक है, 3.63 नहीं होगा, कभी 63 नहीं बोल, 3.63 प्लस 9.39। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सी एक चीज है, ट्रिक्स है, ये बात हमेशा याद रखें कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 3.63, ठीक है। अब दूसरी रकम लेके आते हैं, पहले सबसे पहले हम पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के जो है लेफ्ट साइड पर क्या है, 9 है, ठीक है, और राइट साइड पर क्या है, 3 और 9 है, ठीक है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही रखना है, ठीक है, ध्यान से, ठीक। अब ऐड करेंगे इसको, 3 और 9 कितने हो गए हमारे पास, 12 के 2, 1 ऊपर गया, ठीक है, 6 पर, 6 और 1 कितने हो गए, 7 और 3, 10, 10 का 0, ठीक है, 1 इसको देंगे। अब नीचे क्या पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, ठीक है। अब 1 और 3 कितने, 4 और 9 कितने हो गए, 4 और 9 13 हो गए, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 13.02, ठीक है। ये बहुत सिंपल है एडिशन ऑफ सब डेसिमल, ठीक। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपकी मर्जी कोई भी एक रकम रखें, हम ये रखते हैं 39.63। अब उसके बाद क्या करना, आपको पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना, ये पॉइंट है, इसको पॉइंट, और पॉइंट के लेफ्ट साइड पर क्या है, 4 है, ठीक है, यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और राइट साइड पर क्या है, 1, 3, 9, ठीक है। अब जिस नंबर के नीचे ऊपर कोई नंबर ना हो तो वहाँ पर 0 लगा दें, सिंपल तरीका है, ठीक है, 0, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 0, ठीक। अब इसकी एडिशन आप करें, इसको प्लस करें, तो 9, ये तो 9 ही होगा, 0 और 9, 9, 3 और 3 कितने हो गए, 6, ठीक है, 6 और 1 कितने हो गए, 7, पॉइंट का पॉइंट रखेंगे हम, 9 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 13 का 3, 1 ऊपर देंगे हम, 1 और 3 कितने हो गए, 4, यानी 43.769, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि 36 प्लस 3.96। अब हमेशा ध्यान कीजिए, ठीक है, ध्यान से ये बात जहन में रखें, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है तो याद रखें उसके लास्ट में पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये नंबर है कोई, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं, मतलब वो यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है,
उसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद जीरो जीरो दे दे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रख लें, एक नोट वाली बात है, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 36, ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब दूसरी रकम रखेंगे 3.93। अब पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखेंगे, ठीक है। थ्री हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है राइट हैंड साइड पर, नाइन और थ्री, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। आप अपने हाथ के थ्रू जो है इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले जो है क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताया था कि जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है वहाँ ज़ीरो दे दें, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो दे दें, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है। अब प्लस करेंगे, ज़ीरो और थ्री कितने हो गए, थ्री, और ज़ीरो और नाइन, नाइन, ठीक है। पॉइंट सिक्स और थ्री कितने हो गए हमारे पास, नाइन, थ्री और ज़ीरो, थ्री, यानी 39.39, ठीक है, 39.93, सॉरी, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंस है थोड़ा, इस तरीके से एक दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली हो जाए जो है एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है हमारे पास, फोर नंबर, 39.9 प्लस 39.6, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, जिसके नंबर के बीच जिस जो भी नंबर है अगर कोई पॉइंट नहीं है तो वहाँ पर हमेशा याद रखें कि लास्ट में पॉइंट है, ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो 3399, ठीक है। अब नंबर यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट दे दें, ठीक है। अब दूसरी रकम आपको नीचे लेके आएंगे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे, पॉइंट के जो है राइट हैंड साइड पर सिक्स है, इस तरफ क्या है, नाइन, थ्री और थ्री, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे हम, यहाँ पर ज़ीरो दे देंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। ज़ीरो और सिक्स कितने हो गए, सिक्स, पॉइंट का जगह पॉइंट रखेंगे हम। नाइन और नाइन कितने हो गए हमारे पास, एटीन, एटीन का वन ऊपर गया, वन और नाइन टेन, टेन और थ्री थर्टीन, थर्टीन का वन ऊपर गया, ठीक है, वन और थ्री फोर, फोर और थ्री सेवन। तो ये हमारे पास जो हो डेसिमल के जो जो भी ट्राइब्स थे, जो भी थे, हमने वो सॉल्व किए, ठीक है, जो टिपिकल थे, वो जो इम्पोर्टेंट थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में तो हमें कमेंट में भेजें, हम आपको सॉल्व करके देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।